महिंद्रा कंपनी जल्द इंडिया में अपनी बुलेरो नियो प्लस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आपको बेसिकली 9 सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के बारे में आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे, सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की, बेसिकली आपको बुलेरो नियो प्लस में फ्रंट से कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल बुलेरो नियो से। पर अगर हम बात करें साइड लुक की, साइड लुक में मेजर डिफरेंस होने वाला है। इस गाड़ी में एक आपको लेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी 4 मीटर से ज़्यादा, यानी कि अबाउट 4.3 मीटर्स की। उसके साथ आपको न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बाकी आपको डोर्स पुराने जैसे ही देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में भी आपको इस गाड़ी में टोटली न्यू लुक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको न्यू स्टाइल की टेल लैंप्स देखने को मिल जाएगी विद रियर टायर। बाकी आपको रूफ में किसी भी टाइप का सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा। इंटीरियर वाइज इस गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड तो आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बुलेरो नियो। पर अगर हम बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। इसमें आपको टोटल 3 रोज ही देखने को मिलेगी, पर जो इसकी 3rd रो होने वाली है वो काफ़ी स्पेशियस होगी। उसमें आप मज़े से 4 बंदे बिठा पाएंगे, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। एंड जो लोग इस गाड़ी को एज ए टैक्सी यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। बाकी आपको फीचर्स तो नॉर्मली देखने को मिलेंगे, जैसे आपको बुलेरो नियो में प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, वहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। इस गाड़ी में आपको पहले 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता था, पर उसकी जगह बुलेरो नियो प्लस में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इस गाड़ी की अब सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उसके साथ ओवरऑल लेंथ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का वेट भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से इस गाड़ी में महिंद्रा अब आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन प्रोवाइड करके देगी। ये गाड़ी मिड ऑफ 2024 में कभी भी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के प्राइस की, इसका प्राइस बेसिकली नॉर्मल बुलेरो नियो से तो ज़्यादा होने वाला है, पर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक से इसका प्राइस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यानी कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एसयूवी होने वाली है। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।